नमस्कार मणि बोझ को स्वागत मुझे प्रथम देखने हेडलाइंस प्रेम धराइला हैदर को गैंगस्टर प्रेम रे तीन युवती फरार पर भी प्रेमिका फोन रे जोगाजोग करूथिला हैदर नंबर को ट्रैक करी तेलंगाना रु गैंगस्टर को धरला पुलिस आज तो कठोर हला कोरोना कटकणा सब जिले में नाइट कर्फ्यू राति 9 रु संध्या पांच घर बाहर बा मना 10 सीमांत जिले में सप्ताहांत शटडाउन नियम न मानिले कड़ा कार्यनुष्ठान आज और का श्रीमंदिर बंद बाहर भक्तों पर कठोर होगा नियम एंट्री दरकार 72 घंटार आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दुईट पर्याय टीकाकरण नहीं करें दर्शन फोकस रे ऑक्सीजन जोगाण बार संक्रमण प्रवण राज्य उपर प्रधानमंत्री गुरुत्व बैठक में प्लांट रे अम्लजान उत्पादन वृद्धि पाई निर्देश विदेश आमदानी हो 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन एवं आईपीएल महासमर अष्टम मैच रे पंजाब को जीत कला चेन्नई 6 विकेट रे पंजाब को हराइला चेन्नई सुपर किंग्स अब देखिबा संपूर्ण खबर फेरार गैंगस्टर हैदर संपर्क में पुलिस को सुराग देता तार निज प्रेमिका गोटे कि दुई जन नुहंती हैदर प्रेम पड़ते तीन जन युवती एवं तेलंगाना रहणी समय रे हैदर भिन्न भिन्न मोबाइल नंबर रु निज प्रेमिका मानक लगातार संपर्क में रहुला हैदर फेरार होबार दुई दिन पर तार जन प्रेमिका फोन कल को जांच करू करू राज्य बाहर 6 नंबर रु तांको पाखको फोन आसुथिबा जानिबाको पाइथिला पुलिस एवं एही नंबर टी तेलंगाना रो एवं कॉल मध्य सहीठारो हेउथिबा स्पष्ट होथिला एहा परे पुलिस ए सही तीनटी जाको नंबर को सर्विलांस को नेबा परे अन्य दुईटी नंबर बाबद रे सुराग मिलथिला 13 तारीख सुधा पुलिस को हैदर गतिविधि सविशेष सूचना मिलबा परे सही दिन ही तेलंगाना जाइथिला कटक कमिश्नरेट पुलिस रो एक टीम हेले पुलिस सेठारे पहुंचबा बेले को हैदर तेलंगाना रो निज ठिकाना छाड़ी सांगारेड्डी जिल्ला रो चली जाइथिला हेले प्रेमिका माननको सह वार्तालाप किंतु जारी रहिथिला एवं सही फोन कॉल रो कलेक्शन जा डिटेल पाइबा परे जा सूचना रहिछि कि लोकेशन डिटेल्स पाइबा परे 15 तारीख संध्या बेले ताकु माड़ी बसुथिला पुलिस बड़ कथा होउछि गैंगस्टर प्रेम पड़ुथिबा तीन युवतींक मध्य जणक बयस 18 वर्ष होइथिबा बेले आउ दुई जणक बयस यथाक्रम रहिछि 22 एवं 26 एमानक मध्यरु जणे भोगराई बालेश्वर बासिंदा होइथिबा बेले अन्य जणे पटामुंडा एवं आउ जणे महांगा बासिंदा बोली जणा पड़िछि रोचक कथा जे एही तीन जण युवतींक हैदर भल पाउथिला सत किंतु काहा को भी अन्य दुई जणक बाबद रे अवगत कराई नथिला तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित कटक रु फोन लाइन रे जन प्रतिनिधि विश्वजीत दास विश्वजीत बड़ कथा हेउची प्रेम धराइला हैदर को गैंगस्टर प्रेम रे जणे नुहे दुई जण नुहे तीन जण युवते देखो तो रोचक तथ्य एबे सामना करछि हैदर को नै कि धरा पड़िया परे जहाँ सामना को आसी कथा हूँ जो हैदर प्रेम पाई आज फसी जाइ कि धरा पड़ी कहुची एवं गोटे नुह कि दुई दिन पाखे तीन तीन टी झीओं सहित प्रेम कथबार्ता को लेकिन फोन ट्रैक होता जो बड़े से पड़ जाता तेलंगाना जो सांगारेड्डी एरिया रही एरिया जाकि फोन कल करूला जो युवती को प्रेम करूला पाखापाखि 6 नंबर रु फोन आसुला जो बड़े पुलिस से नंबर ट्राक कला से जना पड़ा ये नंबर टी तेलंगाना आसुच्छे फोन नंबर आउ दुईट नंबर को ट्रेस कर जना पड़ा आउ दुई जन युवती नंबर रु फोन आसूस भाव में कौटना कौट पुलिस से ट्रैक करूला ट्रेस करा तीन जन युवती को आनी पचराचरा करोटी अर्जेंट स्थान में रखी पचराचरा कर बड़ कथा हूँ जो फोन कल प्रेम संपर्क जो झील मान सहित संपर्क फोन कथा से आज धरिया को सहज हो पुलिस देखो जो तीन जन झी अच्छा से मैंने पाखापाखि जड़े 18 वर्ष होता बेले आज जे 22 वर्ष आज जे 26 वर्ष झील देखो तीन तीन झील को सी फोन कर लगातार भाव जब पीछे झीर जिते फोन ट्रैक करागला जिते कल स्त्री कहते हैं टेक्निकल टीम रहायतार निश्चित भाव कौटना कौट स्पष्ट स्पष्ट हो फोन कल हिंसा धरती
विश्वजित के जी कह पुलिस एक बड़ सफलता अंपटे जानापी चाहिए जो भाव में हाइदर तीन जन युवती सहित कथ होता क्या सहित कथा कौन ना अगर जन सहित कथा अगर जन को जना ना यह स्थिति में सी तार कारनामा जारी रखी तेज सब बड़ कथ जो तीन जन युवती कथा और जो तीन जन युवती खबर मिली तो पुलिस से किसी पचरा उचरा कर हाइदर विषय में निश्चित भाव देखो ठारू ही से जो फोन कल रू हिंस प्रेस करा कि तेलंगाना रे ही हाइदर अच्छी जो दिन 13 तारीख दिन ए प्रेस करागला से दिन ही दुईट टीम तेलंगाना जाइला कमिशनर पुलिस दुई टीम पछा पछा पुलिस अफिसर को लेकिन प्रेस करा से फोन कल आधार रे से जो लोकेशन को ट्रैक करागला धरिया को सुविधा है हाइदर को बड़ कथा हूँ जो तीन जन युवती को फोन कर संपर्श लगातार भाव में संपर्श से पुलिस 13 तारीख दिन ही नहीं आसाला निज हिफाजत को ट्रैक आरंभ होता है सब कथा युवती मैंने मानी एवं क्योंठार अच्छे युवती मैंने क्यों अज्ञात स्थान रखी पचरा कर जना पड़े कि काली कहते कि 8 जन सहयोगी सहयोग करुवती अच्छा आप जानते जो तीन जन युवती अच्छा से महांगा पट्टामुंडे और भोगराई अंचल जना पड़ी इस भाव में देखते जो युवती मान को धरा जाए अटक रखा जाए से विशेष तथ्य मिलवा केोन कर तथ्य आसूची से जो युवती मैंने अच्छा से मेडिकल आसुले भेट करने सहित प्रेम संपर्क थी जना पड़ी सामना जिते बड़े पूरा तथ्य जेहेतु रिमांड रे आसीबो हाइदर पूरा तथ्य सामना को आसीबो विश्वजित वर्तमान सब बड़ कथा हूँ हाइदर उपर वर्तमान आउ किछ अधिक धारा लगे कि कहीं पूर्व तो से अपराधिक मामलें जेल रे रहुतला एवं तार देह खराब थिला बोली से चिकित्सित अवस्था रहुतला एवं ता पर जतले से फरार होई ता पुणी आउ एक अपराध निश्चित भाव देखो हाइदर जो दिन फेरार है एमडी मौसमी सुरक्षा कर्मी थे मंगलवार थाना एक अभियोग एफआईआर करते अभियोग एतला आधार में गोटे मामला एवं पुलिस आज 7 दिनिया रिमांड नौ 7 दिनिया रिमांड भितर अनेक कथ रोचक तथ्य बाहर को आसोम किए किए सहयोग करते से सब कथे सामना को आसो गोटे जो फेरार हो जाएगा जेहेतु सी गोटे आसामी और दुई दुईट मर्डर केस सजा काटूला तापर ये आ गए अभियोग आ फेरार हो गला सहयोगी जो मैंने फेर कले से मामलें छंदी हे आउ गोटे मामला जोड़ी है हाइदर जो फेरार होवार मामला रही मंगल थाना एफआईआर रही आउ गोटे मामला जोड़ी है निश्चित भाव में देखो जो हाइदर जेबू फेरार होता कौटना कौटी पुलिस गोटे मुंड भितर कारण पड़ता जब पुलिस ट्रैक करुला क्यों आड़े जा जहाँ सूचना मिली जो युवती जन लगातार भाव 6 नंबर अलग अलग फोन करुला से नंबर को जो जांच करागला जना पड़ा से तेलंगाना अंचल बोली नंबर और तेलंगाना भी फोन आसपर ही आरंभ होता अपरेसन और 13 तारीख दिन ही दुईट टीम तेलंगाना को बाहरी जाता है से रही जो टेक्निकल टीम पूरा सूचना दौते क्यों कौन कौ एरिया अच्छी जिते सका समय थे तेलंगानते जना पड़ा तेलंगाना अच्छी हाइदर तापर से संध्या बेले छाड़िया को तेलंगाना छाड़िया पाई जाऊला एवं से बाइक रे जाऊला सांगारेडी एरिया रे ही तक पुलिस धरतिला विश्वजित सब बड़ कथा जिते बेले हाइदर मेडिकल डू फेरार हैला अनेक कथा सामना को आसला समस्ते समस्त को दोष दौले से कहते मो दोष मोर नहीं से अग क्या दौले मेडिकल करतृपक्ष पुलिस को दोषुते एभली स्थित आम देखीचे स्थिति किभली भाव में थी तो बर्तमान जहाँ सूचना आसूरी कि हाइदर को 7 दिनिया रिमांडर अवधि आरंभ होते क्योंठा क्योंकि किसी बड़ तथ्य सामना को आसबन कि प्रकृत में किए हाइदर पक्षर किए थी कहार हाथ थी जे हाइदर एत सुरक्षा बल भितर के भाव से फेरार मारिता देखो काली कमिश्नर पुलिस मुख्य पचार निश्चित भाव कहते रिमांड आनी 7 दिन रिमांड अवधि रही आज 7 तारीख 7 पर्यटन रही रिमांड अवधि निश्चित भाव में अनेक कथ पचरा किए सहयोग करते मुख्य षड़ किए एपट ग्रुप प्रस्तुत कर फेरा पक्ष किए हाथ रही क्यों थे जाता है यह सब एक असमित प्रश्न लोक मन रही से सब कुछ कमिश्नर पुलिस पूरा इंटरोगेट कर जेहेतु आज रिमांड आरंभ हो सब को आज पचरा कर जो सहयोगी एक्शन अच्छे से पुलिस हिफाजत अच्छा सहित याकूब जो खान रही प्रथम आत्मसमर्पण करते सीए पुलिस रिमांड रही निश्चित भाव में देखो समस्त को पसाई पचरा अनेक कथा एवं असमाहित अनेक लोक मन रही किए स्पष्ट हो पार नहीं किए सहयोग करता मुख्य षड़ किए कि खसला यह सब कथ निश्चित भाव सामना के पर्यटन आसी नहीं परवर्त अवस्था जो
ରିମାଣ୍ଡ ସରିବ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବଡ କଥା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହାଇଦର ଖସିଗଲା, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସଡକ ଯୋଉ ହେଲା ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବ, ପୋଲିସର ସୂଚନା ଆସିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ତେବେ ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସିଏ ରହିକି ଜେଲ ଭିତରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଠାଉଥିଲା, ଫୋନ କଥା ହଉଥିଲା, ଇଏସ ମଜଲିସ କରୁଥିଲା ଜେଲ ଭିତରୁ, ସେ ସବୁକୁ ଯେଭଳି କିଭଳି ଆଉ ନ କରିପାରିବ, ଆଇସୋଲେସନ ହେଇକି ରହିବ ସିଏ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲ ଆସିଲା ତାର ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ତ କେବଳ କହିପାରିବାନି କି କେବଳ ହାଇଦରକୁ ଅଧିକ ନଜର ଦବ ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯାହା ଆମେ ଡିସିସନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଠିକ କରିବା କଥା, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏସ୍ଓପି ରହିଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ କିଭଳି କଏଦୀ ମାନେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ବା କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସ ଜଣେଇବେ ବା ଫାଣ୍ଡିକି ଜଣେଇବେ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି ହବ ଏବଂ ଯୋଉ କଏଦୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଜେଲ ରହିଛି ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନାହିଁ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱଜିତ ହାଇଦରର ଯେଉଁ ତିନି ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହାଇଦର ପଡିଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି ସୂଚନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି, କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ପୋଲିସ, ଯେହେତୁ ଏବେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ହାଇଦର ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, କେବେଠୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେ, କଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସହଯୋଗର କୌଣସି ହାତ ଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ, ଗିରଫ କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦର ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛି ପୋଲିସ, ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ହାଇଦର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ହାଇଦର ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ନାହିଁ ହାଇଦର ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା କି ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ହାଇଦରର ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହାଇଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଛି ହାଇଦର, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ନାହିଁ ହାଇଦର ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଜାରି ରହିବ, କେହି ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ସତର୍କ ରହିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୀମାନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସୀମା ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସୀମାନ୍ତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି।
तबे भुवनेश्वर रे नाइट कर्फ्यू को सफल करबा को बीएमसी पक्ष रु आह्वान दिया जायछि। तबे नाइट कर्फ्यू समय रे समस्त अत्यावश्यक सेवा जारी रहइबो, केही जमिति असुविधा रे सम्मुखीन न होवंते सेने बीएमसी सतर्क थिबा कथा कहिछन्ती। सेहिपरि सीमांत 10 जिला रे आज एवं आसंता काली सप्ताहंत शटडाउन लागू होइछि। सीमांतवर्ती जिला गुडी को नै अधिक सतर्क होइछन्ती सरकार। छत्तीसगढ़ पटु संक्रमण रो भय थिबारु पश्चिम ओडिसा रो जिला गुडी को निज सीमा सील करछन्ती। पड़ोसी राज्य मानकर बढ़ुवा कोरोना स्थिति उद्वेगजनक रही कारण सीमांत सुरक्षा व्यवस्था को पूरापूरी कड़ाकड़ी करा जहाँ सूचना रही। जेहेतु कोरोनार द्वितीय लहर समस्त को केउटा केउटे हा जदि कहबा कि चकित करिछि कि यार भय जो भाई भाव में कोरोन दिनकू दिन संक्रमण संख्या बढ़ुच्छी से भाई भाव में मृत्यु संख्या बढ़ुच्छे या को नहीं राज्य सरकार एक प्रकार सजग रही सूचना आसुछे। आज एवं आसंता काली जगादर्शन बंद सप्ताह शनिवार एवं रविवार श्रद्धालुओं बंद रहा श्रीमंदिर। पुरी जिला व्यतीत बाहर भक्तों आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट किंबा टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक। पुनर्बार भक्त मैंने कियोस्को माध्यम निजर परिचय पत्र कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखा श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करेंगे। सेपटे कुंभमेला जा शताधिक सेवायतर कोविड टेस्ट से पूर्व भली सानिटाइजर एवं मास्क व्यवहार उपरे कड़ा कटकणा जारी कर श्रीमंदिर को जाऊँगा भक्तों पर भीतर काठर दर्शन बंद कर बाहर काठ निकटर हो सर्वसाधारण दर्शन। श्रीमंदिर भितर कोविड गाइडलाइन अनुपालन नहीं गठन होब तीनोटी टीम। श्रीमंदिर प्रशासन जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पक्षर तीनोटी टीम मिलित भावे एनफोर्समेंट करेंगे। गैंगस्टर गायब पछरे कहार हाथ एत बड़ घटना पछरे जेल विभाग भूमिका को नहीं बड़ प्रश्न किंतु मुखिया मुहरे तंडे गोटे पटे छोट को निलंबन करपटे बड़ बड़िया विरोध में ना तदंत हो कार्यानुष्ठान एवं स्थित संतोष को किए सुरक्षा देखने उठी प्रश्न कहीं चुप बसी संतोष उपाध्याय। संतोष उपाध्याय भूमिका संध्या घेरे संबलपुर जेल रु हायदर आसा बेले कहीं कमिशनरेट पुलिस को दि जा ना खबर एत बड़ ग्यांगस्टर आसवा बेले जो एसओपी पालन करता कहीं जेल विभाग हायदर को चिकित्सा पाई जदि कटक बड़ मेडिका को आनी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कहीं अंपक्षे जो पुलिस कर्मचारी मानू सुरक्षा दायित्व में रखा तार मॉनिटरिंग करते संतोष उपाध्याय कहा परामर्श से सुरक्षा दायित्व में सुरक्षाकर्मी लज रोते नहीं प्रश्न उठिता बेले विवाद को आसी जेल विभाग डीजी संतोष उपाध्याय एत बड़ ग्यांगस्टर को जड़े सुरक्षाकर्मी केमी सुरक्षा देव यार हिसाब कौन संतोष उपाध्याय को जाना ना कमिशनरेट पुलिस सहायता कहीं संतोष उपाध्याय आउ ग्यांगस्टर कटक बड़ मेडिकल को आसीथिबार खबर डीजीपी अभय को जणाइथिले कि संतोष उपाध्याय बाबू याकु नै बड़ प्रश्न सृष्टि होइथिबा बेले विवाद घेर को आसी जेल विभाग डीजी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन को चलाचल बंद नहीं पुणि चिठी लिखिले राज्य सरकार। मुख्य शासन सचिव एने केन्द्र गृह सचिव को चिठी लिखिंट 8 स्वतंत्र ट्रेन छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य यात्रा करुचे। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टि से ट्रेन चलाचल बंद करने को अनुरोध करते राज्य सरकार। अति कम्रे 15 दिन ट्रेन चलाचल बंद करने को अपील करते मुख्य शासन सचिव। पूर्व छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन चलाचल बंद करने रेल मंत्रालय को चिठी लिखी थे राज्य सरकार किंतु रेल मंत्रालय तरफ यह अग्राह्य कर दिया जाए थिला। मोदी सरकार को आउ एक बड़ सफलता भारत फेर पलातक हीरा व्यवसायी नीरव मोदी। ब्रिटेन गृह विभाग नीरव मोदी भारत प्रत्यावर्तन को
अनुमोदन प्रदान करिसंते सीबीआईर अधिकारी शुक्रवार सूचना देछंते। गत फेब्रुआरी 25 तारीख रे लंडन वेस्टमिनिस्टर कोर्ट नीरव मोदी प्रत्यार्पण पर अनुमति प्रदान करुथिले, तबे ब्रिटिश कोर्ट रे एही निष्पत्ति संपर्क में ब्रिटेन गृह विभाग को अवगत करा जायतला। एहा परे पलातक नीरव मोदी भारत प्रत्यार्पण को अनुमोदन प्रदान करिसंते ब्रिटेन गृह विभाग। खूब शीघ्र यूके रु भारत आसीबो पलातक स्कैम स्टार नीरव मोदी। प्रत्यार्पण आदेश रे दस्तखत करिसेंति यूके रो गृह सचिव। पूर्वरु अनुमति दे सारिथिले यूके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट, तबे यूके रो आईन एथिपई साजी पारे सामान्य प्रतिबंधक। भारत रु पलायन करी यूके रे आत्मगोपन करितिबा गहना व्यवसायी तथा स्कैम स्टार नीरव मोदी को भारत अणाजिबार रास्ता एबे सहज होईछि। खूब शीघ्र भारत अणाजाई एठारे ताहार विचार हेबार संभावना सृष्टि होईछि। नीरव मोदी प्रत्यार्पण पर अटकी आदेश से ऑफिशियल मोहर मारी यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल। पूर्व भारत तरफ प्रत्यार्पण होता आवेदन को ग्रहण कर यूके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ताको नियम हिसाब से शेष सहमति पठाई होम सेक्रेटरी पाखक। एवं होम सेक्रेटरी से मोहर मारी एणिक पलातक अभियुक्त को भारत आनी तार विचार करने सहज अनुमान करा हो। तबे यूके रो आईन एथिपई साजी पारे सामान्य प्रतिबंधक। सेठाकर आईन हिसाब रे होम सेक्रेटरी को आदेश विरुद्ध रे जणे अभियुक्त 28 दिन भितर हाईकोर्ट रे अपील किंबा चैलेंज कर परंती। नीरव मोदी निजर सुरक्षा पई सेहिभली कले हाईकोर्ट एहारो विचार पई पुणी किछि मास समय नै परंती। जा पूर्वरु विजय माल्या घटना रे मध्य देखिबा को मिलिछि। एभली हेले पुणी विलंब होई पारे नीरव मोदी को भारत आनिबार प्रक्रिया। अलंकार व्यवसायी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक रो लोन स्कैम सहित प्राय 14,000 कोटी टंकार मनी लॉन्डरिंग अपराध रे अभियुक्त रही फरार अछि। भारतीय कोर्ट रे तार विचार हेबाकु थिबा बेले से आश्रय नैछि यूके रे। सेठाकर आईन हिसाब रे सहज हेउनी प्रत्यार्पण प्रक्रिया। तबे जदि तार चैलेंज को यूके रो हाईकोर्ट अग्राह्य करंती तबे खूब शीघ्र भारत आसी पारे नीरव मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नजर पकाइबा खेल संपर्कित खबर उपरे महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स चलित आईपीएल रे प्रथम विजय हासिल करछि। तबे प्रथम मैच रे दिल्ली ठारो हारिथिबा चेन्नई निजर द्वितीय मैच रे पंजाब किंग्स को 6 विकेट रे परास्त करछि। प्रथमे बोलिंग रे जादू देखाइथिबा चेन्नई बैटिंग रे मध्य जबरदस्त प्रदर्शन करछि। पंजाब प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 8 विकेट हराई मात्र 106 रन करथिला। एहार जवाब रे चेन्नई एकतरफा भाबे 4 विकेट हराई 26 बॉल पूर्वरु विजय लक्ष्य को हासिल करिनछि। 4 ओवर रे मात्र 13 रन दे 4टी विकेट हासिल करथिबा दीपक चहर मैच रो श्रेष्ठ खेलाड़ी होछन्ते। समस्त ब्रेटे रखा अधिक आप विजिट करें वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।